नमस्कार दोस्तों, आज के इनकम टैक्स के डिस्कशन में मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। शेयर्स बेचने पर हुए कैपिटल गेन की गणना कैसे करें। निश्चित रूप से सर, आप हम बहुत सारे लोग सर शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और जो हम ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं सर, उनमें शेयर्स खरीदने बेचने से रिलेटेड जो कैपिटल गेन निकल करके आता है, वो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैं आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन में वो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मेरा सर सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर वैसे आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूं सर। फॉर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर अ शेयर कैन बी लिस्टेड शेयर और इट कैन बी अनलिस्टेड शेयर। तो आपको सर अपने शेयर्स के कैपिटल गेन की गणना में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये ध्यान रखना है सर, कि जिस समय आपने शेयर को बेचा, क्या वो शेयर लिस्टेड था या अनलिस्टेड था। यदि वो शेयर लिस्टेड है तो आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अलग होगी, और यदि वो शेयर अनलिस्टेड है तो आपकी कैपिटल गेन की गणना अलग की जाएगी। तो आपको सबसे पहला काम सर बाइफरकेट करना है, वेदर द शेयर ओन्ड बाय मी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब सर मेरा अगला प्रश्न है आपके सामने, शेयर्स बेचने पर हुए कैपिटल गेन कितने प्रकार के हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच में बी फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी, विच में बी फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटी। इसी प्रकार से सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच में बी फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी और विच में बी फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटी। अब फर्क क्या है सर, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 42A, जो किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होना डिसाइड करती है, वो ये बताती है सर कि यदि कोई पर्टिकुलर आपका शेयर 12 महीने से ज्यादा के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड है और वो लिस्टेड शेयर है, तो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है। और यदि वो पर्टिकुलर शेयर सर 12 महीने से कम होल्ड करके आपने बेचा है या 12 महीने तक होल्ड करके आपने बेचा है, तो आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है। लेकिन सर अनलिस्टेड शेयर में, अनलिस्टेड शेयर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी हो सकता है, अनलिस्टेड शेयर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी हो सकता है। अनलिस्टेड शेयर के केस में सर, ये जो पीरियड है वो 2 साल प्लस का लॉन्ग टर्म माना जाएगा और 2 साल से कम का पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो आपको सर ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि आपने जो शेयर बेचा है वो लॉन्ग टर्म बेचा या शॉर्ट टर्म, क्योंकि जो आगे आप मेरे साथ देखेंगे कि टैक्स की रेट हम लगाते हैं, वो टैक्स की रेट सर इसी बात पर डिपेंड करेगी कि आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो लिस्टेड सिक्योरिटी से है या अनलिस्टेड से है, और इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म है तो लिस्टेड से है या अनलिस्टेड से है। अब यहां सर मैं एक अगला प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, शेयर्स बेचने पर क्या टैक्स रेट्स लागू होती है। नेचुरली सर हमें पता होना चाहिए कि जो भी शेयर हम बेच रहे हैं उस पर हमारे को टैक्स रेट क्या लागू होगी। और मैंने सर अब तक के अपने डिस्कशन में आपके सामने बात रखी कि आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका शेयर लिस्टेड था या अनलिस्टेड था। अगर लिस्टेड था, फर्दर आपने उसे बाइफरकेट किया कि आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ शॉर्ट टर्म हुआ, इसी प्रकार से अनलिस्टेड पर भी आपने अब तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिटरमिनेशन पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से किया होगा। अब शेयर्स बेचने पर क्या टैक्स रेट लगेगी, मैं ये समराइज रूप में आपके सामने एक टेबल के रूप में रख रहा हूं। देखिएगा सर, शेयर का प्रकार यानी आपका शेयर वही, जैसे मैंने पहले बोला सर, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर आपका शेयर सर लॉन्ग टर्म में बिका है और वो लिस्टेड शेयर है, तो आपको सर मात्र 10% की रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपका शेयर अनलिस्टेड है जो आपने बेचा है और लॉन्ग टर्म बेचा है सर, तो आपको 20% रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर, यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लिस्टेड शेयर बेचने से आ रहा है, तो आपको 15% टैक्स रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड शेयर से आ रहा है, तो आपको स्लैब रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। एक बात सर मैं यहां पर एडिशनली क्लियर कर देता हूं कि मैं जो ये 10% या 15% की रेट आपके सामने रखा हूं यहां पर लॉन्ग टर्म गेन पर या शॉर्ट टर्म पर, यहां एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि रिलेवेंट ट्रांजेक्शन सर आपका एसटीटी बेस्ड होना चाहिए। एंड व्हाट इज एसटीटी? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। बेसिकली कहने का मतलब यह है सर, यदि आपने कोई शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन किया, यानी आपने कोई शेयर बेचा, से फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड शेयर बेचा, अब आप उसको दो तरीके से बेच सकते हैं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन। यदि आप शेयर ऑनलाइन बेचते हैं, यानी किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सेल के समय एसटीटी लगेगा। यदि आपको सेल के समय एसटीटी लगा है, हालांकि अब सरकार कह रही है परचेज पर भी एसटीटी लगा होना चाहिए,
यदि आपको सेल के समय एसटीटी लगा है सर, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी बेचने पर मात्र 10% टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। और यदि आपको यही कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है और लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है और एसटीटी भी लगा है, तो आपको 15% लगेगा। लेकिन यदि आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी होने के बावजूद आपने ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किया, यानी एसटीटी बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो सर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा और मैं ये कहूंगा कि नहीं, फिर उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्लैब रेट लगेगी। तो सर ये रेट का डिस्टिंग्विशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेट को प्रॉपर समझेंगे सर, तभी आपकी टैक्स कैलकुलेशन सही प्रकार से निकल करके आएगी। तो मैं रिपीट करता हूं सर, शेयर में भी लिस्टेड अनलिस्टेड एट द टाइम ऑफ सेल इफ इट इज लिस्टेड एंड फर्दर सब्जेक्टेड टू एसटीटी एट द टाइम ऑफ सेल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 10% और शॉर्ट टर्म पर आपको 15% रेट से टैक्स देना है। यदि अनलिस्टेड शेयर है या लिस्टेड शेयर है परंतु एसटीटी बेस्ड सेल नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्लैब रेट से। यहां स्लैब रेट का तात्पर्य क्या है सर, मैं इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बात कर रहा हूं। यदि आप कंपनी है सर, तो आपको 30% रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। एक और बात सर यहां जोड़ देता हूं, मैंने जो भी 10% 15% 20% स्लैब रेट बोली है सर, इनको आप जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर सर इन्हें सरचार्ज एजुकेशन से एसएचईसी से भी एनहांस किया जाएगा। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं सर एक उदाहरण से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हम कैपिटल गेन की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो मैं ये उदाहरण एक टेबल के रूप में सर आपके सामने रखता हूं। आप देखिएगा कि किस प्रकार से सर यहां हम कैलकुलेशन करेंगे जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं अपने किसी पर्टिकुलर शेयर के सेल पर। तो मान लीजिए सर आपके पास में ए लिमिटेड के 10,000 शेयर थे जो आपने ₹25 पर शेयर पर खरीदे। आपकी टोटल कॉस्ट सर ₹2,50,000 आई। आपने ₹2,50,000 के अलावा शेयर मार्केट से यदि ये पर्टिकुलर शेयर खरीदे थे तो ₹250 की स्टैम्प ड्यूटी दी। ब्रोकरेज आपको उस समय ₹500 लगी। आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी ₹100 देना पड़ा। तो सर आपको टोटल कॉस्ट 2,50,850 इन सब की मिलाकर के हो गई। लेकिन मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा सर, एसटीटी इनकम टैक्स के कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में कॉस्ट में शामिल नहीं होता, यानी आपकी कॉस्ट इनकम टैक्स पर्पजेस से मात्र 2,50,750 ही मानी जाएगी। अब सर मैं सेल के पक्ष पर आता हूं कि मान लीजिए यही 10,000 शेयर सर आपने फर्दर ₹45 की रेट पर बेचे, आपको ₹4,50,000 आए। आपने ₹450 की उस समय स्टैंप ड्यूटी दी। ब्रोकरेज आपके उस समय ₹1,000 की लगी और ₹200 आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा। तो आपकी जेब में सर नेट नेट ₹4,48,350 ही आए। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पजे से अगेन एसटीटी आपकी कॉस्ट के रूप में या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर के रूप में नहीं घटेगा, तो आपका कैपिटल गेन ₹4,48,550 माइनस 2,50,750 यानी 1,97,800 कैलकुलेट होगा, जबकि आपको रियल में सर 1,97,500 ही बचे हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 48 कहता है कि एसटीटी इज नीदर इंक्लूडेबल इन द कॉस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेट कंसिडरेशन। तो ये सर उदाहरण आपको आपके कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के पर्पजेस से निश्चित रूप से काम में आएगा। अब सर बजट 2018 से एक कॉन्सेप्ट आया था जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स किया गया और सरकार ने एक टेक्निकल टर्म भी यूज करी कि हम कुछ ग्रैंडफादरिंग का आपको बेनिफिट देंगे। व्हाट इज ग्रैंडफादरिंग सर, इसको जरा समझिएगा कि किसी व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदा था, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2016 को, और उसके पास में 31 जनवरी 2018 तक वो शेयर था। 31 जनवरी 2018 को जब सरकार बजट लेकर के आई तो सरकार ने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो मान लीजिए ए व्यक्ति ने तो 31 जनवरी 2018 को वो शेयर बेच दिया, तो वो तो सर एग्जम्प्ट होके निकल गया। और जो व्यक्ति उस दिन नहीं बेच पाया, से फॉर एग्जाम्पल उसने 10 अप्रैल 2018 को बेचा, तो वो टैक्सेबल हो गया। तो सरकार ने इस बात की जेन्युइननेस को समझा और ये बोला ओके, आपने ₹100 पर शेयर खरीदा 1 जनवरी 2016 को, 31 जनवरी 2018 को मान लीजिए वो ₹200 का हो गया, तो ठीक है, ये जो ₹100 का आपको गेन हुआ है इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, यानी यहां तक आपकी कॉस्ट को लेकर के आ जाएंगे। और अगर आपने मान लीजिए 10 अप्रैल 2018 को वो शेयर ₹250 में बेचा, तो 200 माइनस 250 ₹50 का कैपिटल गेन आपका टैक्स करेंगे। तो इसी को सर गॉडफादरिंग कहा गया। मैं इसे आपके सामने एक
उदाहरण के रूप में सर रखता हूं। ये देखिएगा सर, ये एक टेबल लेकर के आया मैं आपके सामने, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल केस ऑफ ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट। मान लीजिए सर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे थे और वो पर शेयर सर मेरे को 1 जनवरी 2017 की कॉस्ट थी 1140, फेयर मार्केट वैल्यू सर उस पर्टिकुलर शेयर की 31 जनवरी 18 की हो गई थी 1235। जब मैंने बेचा सर 12 जून 2018 को तो उस समय शेयर की वैल्यू लेट्स अज्यूम 1360 रुपए आ चुकी थी। अब सरकार क्या कह रही है सर, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 55 में इन्होंने कॉस्ट कैलकुलेशन का एक स्पेसिफिक तरीका रखा, तो इन्होंने क्या बोला सर, हम कॉस्ट जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे लोअर ऑफ बी एंड सी। नाउ व्हाट इज लोअर ऑफ बी एंड सी सर, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 या आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1360, इन दोनों में से जो भी कम है, तो जो भी कम सर यहां पर 1235 आ गया। और हायर ऑफ ए एंड डी, हायर क्या है सर, ए इज हेयर योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डी जो आपने इन दोनों के लोअर में से निकाला 1235, तो सरकार ने बोला ओके हम आपकी 1235 रुपए की कॉस्ट मान लेंगे क्योंकि 1235 और 1140 में हायर है 1235। तो इस प्रकार से सर आपकी फाइनल कॉस्ट हो गई सर 1235 और आपका कैपिटल गेन निकल करके आया सर सी माइनस ई। सी है मेरा नेट कंसिडरेशन 1360 और सर मेरा ये पर्टिकुलर शेयर का कॉस्ट 1140 होने के बावजूद ग्रैंडफादरिंग की वजह से मेरी वैल्यू बनी सर 1235, तो मात्र 125 रुपए का कैपिटल गेन 10% की रेट पर टैक्सेबल होगा। ये गणना सर जो मैं ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, ये केवल सर लिस्टेड सिक्योरिटीज पर ही चलेगी, वो भी तब जब आपने उसकी सेल एसटीडी बेस करी है, अदरवाइज सर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सर मैंने आगे कुछ और भी शेयर सर यहां पर रखे से एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, टाटा मोटर्स, ये सब सर हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं। मैं आपके सामने एक टाटा मोटर्स का भी उदाहरण डिस्कस करता हूं सर कि मान लीजिए ये शेयर हमने 450 का खरीदा, 31 जनवरी 2018 को 350 का हो गया, 12 जून को फाइनली 250 रुपए का ही ये बिका सर, तो लोअर ऑफ बी एंड सी निकल कर क्या है 350 वर्सेज 250 और हायर ऑफ कॉस्ट वर्सेज लोअर ऑफ बी एंड सी निकल करके आया 450, तो अल्टीमेटली सर मुझे 200 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सरकार अलाउ कर देगी। एक बात फिर सर मैं कहना चाहूंगा, ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट एज पर सेक्शन 112 आ रहा है, एज पर सेक्शन 55 आ रहा है और ये केवल लॉन्ग टर्म गेन पर लागू होगा सर, वो भी ऐसे शेयर के लिए जो आपके पास में 31 जनवरी 2018 को होल्ड थे, लिस्टेड थे, नहीं तो सर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। अब सर मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न कैपिटल गेन से रिलेटेड शेयर्स की कैलकुलेशन में आपके सामने ला रहा हूं, जस्ट ब्रीफली फॉर योर रेफरेंस। पहला प्रश्न, शेयर्स बेचने पर इंडेक्सेशन का लाभ कब मिलता है? सर यदि आपने सेक्शन 112A में 10% रेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स दिया है तो सर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर यदि आपने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन है, तो निश्चित रूप से आपको सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आपने लिस्टेड सिक्योरिटी विदाउट एसटीटी बेची है तो भी सर आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। मैं समराइज वे में बोलना चाहूंगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और तब मिलता है सर जब आप 10% की रेट का बेनिफिट नहीं ले रहे। अगला प्रश्न सर, क्या शेयर्स बेचने के हुई आय को व्यवसाय से आय माना जा सकता है? सर ये एक पूर्णतः अलग चीज है सर, मैं इसके लिए समराइज वे में ये कह सकता हूं, यदि आप फ्रीक्वेंटली शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस इनकम बने, अदरवाइज जनरली शेयर ट्रांजेक्शन से इनकम को कैपिटल गेन इनकम माना जाता है। शेयर्स बेचने से हुए कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? सर मैं इसे सरल रूप में ऐसे बोल सकता हूं सर, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो सर आप री इन्वेस्टमेंट करके एज पर सेक्शन 54EC फॉर एग्जाम्पल या 54F यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आप बचा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में सर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 80C के प्रकार के डिडक्शन भी ले सकते हैं, तो उस प्रकार से सर आपको वो टैक्स बच सकता है। क्या विदेशी कंपनी के शेयर बेचने पर हुए लाभ पर भारत में आयकर देना पड़ेगा? यदि आप रेजिडेंट असेसी हैं सर तो आपको विदेशी कंपनी के शेयर यदि आपने कोई होल्ड किए हैं उनको बेचने हुए लाभ पर भी भारत में आयकर टैक्स देना पड़ सकता है। और सर अंतिम प्रश्न है सर, क्या शेयर्स बेचने से हुई आय पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का लाभ मिलेगा? तो सर मैं ये कह सकता हूं, यदि आप रेजिडेंट असेसी हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के नेचर का या अदरवाइज हुआ है
और आपके पास में और कोई इनकम नहीं है सर, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। यानी नॉन रेजिडेंट को 10% की रेट पर, 15% की रेट पर और 20% की रेट पर टैक्स होने वाले शेयर से हुए कैपिटल गेन पर बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अंत में सर, पूर्व की प्रकार से मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करते रहने के लिए, मुझे नए नए प्रकार की क्वेरीज लिखने के लिए, क्योंकि मैं उनसे ही सीखता भी हूं और आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करता रहता हूं सर। साथ ही सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो शेयर करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।